अगर आपको लगता है कि F1 रेस सबसे ज़्यादा खतरनाक है तो आप गलत हैं। रैली क्रॉस सबसे ज़्यादा खतरनाक है तो भी आप गलत हैं। और अगर आपको ये लगता है कि डाकार रैली सबसे ज़्यादा खतरनाक है तो भी आप गलत हैं, क्योंकि दुनिया की सबसे ज़्यादा खतरनाक रेस आइल ऑफ मैन TT है। आइल ऑफ मैन TT दुनिया की अकेली ऐसी बाइक रेस है जो लीगली पब्लिक रोड्स पर और हाईवेज पर की जाती है, और इसमें बाइक्स अक्सर पतली सड़कों पर लगातार 300 किलोमीटर पर आवर की स्पीड को टच करती हैं। ये एक ऐसी रेस है जिसमें सिर्फ बाइक पर बैठा राइडर ही नहीं बल्कि इसको देखने वाले स्पेक्टेटर्स भी अक्सर मारे जाते हैं, और इसीलिए इसे दुनिया में सबसे ज़्यादा मोटर स्पोर्ट्स में होने वाली मौतों के लिए गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड भी मिला हुआ है। ये इतनी खतरनाक है कि पहली रेस होने के 70 साल बाद ही इसमें किसी महिला को पार्टिसिपेट करने दिया गया था, क्योंकि उनके पहले ही रेस में मारे जाने का खतरा था। इस रेस में प्राइस से बड़ा सम्मान होता है, और इस सम्मान को पाने के चक्कर में कई MotoGP राइडर्स भी अपनी जान गंवा बैठे हैं, और खौफ ऐसा है कि अक्सर कई राइडर सिर्फ एक बार रेस करने के बाद ही इस इवेंट से रिटायरमेंट ले लेते हैं। तो आज हम जानेंगे इसकी हिस्ट्री के बारे में, ये भी जानेंगे कि इसमें ऑन एन एवरेज 3 लोग क्यों मारे जाते हैं हर सीज़न में, ये भी जानेंगे कि इसमें किस टाइप के रेस इवेंट्स किए जाते हैं, और ये भी जानेंगे कि जान का खतरा होने के बाद भी राइडर्स इसमें पार्टिसिपेट क्यों करते हैं। पर उससे पहले अगर आप चाहें तो इस चैनल को सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब का बटन भी दबा सकते हैं। इस रेस की शुरुआत आज से लगभग 120 साल पहले आयरिश सी में आयरलैंड और ब्रिटेन के बीचों बीच स्थित एक बेहद ही खूबसूरत आइलैंड पर हुई थी, जिसे आइल ऑफ मैन के नाम से जाना जाता है। आइल ऑफ मैन पर ज़्यादातर पहले लोग एक इंडो यूरोपियन भाषा का इस्तेमाल करते थे जिसे मैंक्स बोला जाता है। इस आइलैंड पर रेसिंग की हिस्ट्री 1904 तक जाती है, जब सर जूलियन ऑर्डे जो कि सेक्रेटरी थे ब्रिटेन और आयरलैंड के ऑटोमोबाइल क्लब में, वो एक नई जगह की तलाश में थे गॉर्डन बेनेट कार ट्रायल करने के लिए, क्योंकि उस टाइम पर UK में सिर्फ एक ही रेस ट्रैक हुआ करता था और इतना कोई खास कल्चर था नहीं रेस ट्रैक पर जाके रेस देखने का, तो ब्रिटेन में पब्लिक रोड्स पर ही रेस ऑर्गेनाइज की जाती थी। पर UK में नेशन वाइड 20 माइल्स पर आवर की स्पीड लिमिट कर दी गई थी, तो वो इस रेस को करवाने के लिए आइल ऑफ मैन जाते हैं, और वहाँ की मैंक्स गवर्नमेंट उनको 52.2 माइल्स लंबा एक हाईलैंड कोर्स दे देती है रेस ऑर्गेनाइज करने के लिए। फिर 1907 में पहली बार मोटरसाइकिल रेस ऑर्गेनाइज की जाती है, जब मोटरसाइकिल मैगजीन के एडिटर इसके लिए सुझाव लेके जाते हैं। ये इवेंट सेंट जॉन्स शॉर्ट कोर्स पर करवाया गया जिसकी लेंथ 24 किलोमीटर की थी। फिर 1911 में इसे स्नेफेल माउंटेन कोर्स पर मूव कर दिया गया। ये एक 60 किलोमीटर लंबा रेस ट्रैक है जिसमें तकरीबन 200 बैंड्स हैं, और राइडर्स इन बैंड्स पर अपनी बाइक्स को बहुत ही तेज़ी से निकाल कर ले जाते हैं, क्योंकि TT हमेशा से ही एक टाइम ट्रायल रेस रही है, यानी कि ये बाइक्स MotoGP या F1 की तरह एक साथ रेस में नहीं पार्ट लेती हैं, बल्कि इसमें ये देखा जाता है कि राइडर को पूरा कोर्स करने में कितना टाइम लगता है, इसीलिए उनके लिए एक्सट्रीमली हाई स्पीड मेंटेन करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। और इतने सारे बैंड्स होने की वजह से और कोर्स के माउंटेन पर स्थित होने की वजह से रोड्स का एलिवेशन बार बार चेंज होते रहते हैं, और इसीलिए इस रेस कोर्स को दुनिया का सबसे खतरनाक रेस कोर्स माना जाता है। जब 1911 में इस कोर्स पर बाइक रेस चालू हुई उसी साल वहाँ पहली मौत हो गई, फिर अगली मौत 1913 में हुई, और फिर 1914 में हुई। इन्हीं सब कैजुअलिटीज़ को ध्यान रखते हुए उसी साल क्रैश हेलमेट्स को TT में कंपलसरी कर दिया गया। इससे पहले इस रेस में कुछ इस तरह के हेलमेट यूज़ किए जाते थे, पर इससे भी कुछ खास फ़र्क नहीं पड़ा। फिर 1923 में इन्हीं सब मौतों को ध्यान रखते हुए मैंक्स ग्रांड प्री का इंट्रोडक्शन किया गया, जिसमें ऐसे राइडर्स हिस्सा ले सकते थे जिनके पास तकरीबन एक साल पुराना रेसिंग लाइसेंस था। इसमें मेन इवेंट के मुकाबले कम पावर वाली बाइक्स चलाने को दी जाती थी, और मैंक्स GP में होने वाली रेसेस को प्रैक्टिस सेशन की तरह भी देखा जाने लगा, और जो राइडर इसमें क्वालिफाई करता था वो TT में पार्ट ले सकता था। पर इसके बावजूद भी रेस में होने वाली फेटालिटीज़ में कमी नहीं आई और मौतें और भी ज़्यादा बढ़ गईं। जहाँ शुरुआती सालों में TT के अंदर एक या दो ही डेथ्स होती थी, वहीं 1950 के दशक तक वहाँ पर हर सीज़न में 4 से 5 डेथ्स हो रही थी। जैसा कि 1951 का अगर हम केस ले लें तो वहाँ पर एक वीक के सीज़न में ही 5 इंग्लिश राइडर्स मारे गए थे, और मौतों के बढ़ने का एक बहुत बड़ा रीज़न था तेज़ होती मोटरसाइकिल। अगर हम बाकी मोटर स्पोर्ट्स से इसे कंपेयर करें तो समझ में आता है कि बाकी रेसेस जैसे F1 या डाकार रैली, इनमें जितनी एक्सीडेंट पहले होते थे उनमें टाइम के साथ साथ काफ़ी कमी होती चली गई है। अगर हम ईयर 2000 को टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट का बेंचमार्क सेट करके देखें तो पता लगता है कि इस साल के बाद F1 में सिर्फ 5 लोग मारे गए थे, और अगर हम TT को इससे कंपेयर करें तो ईयर 2000 के बाद वहाँ पर 63 डेथ्स हुई हैं, यानी कि TT के अंदर डेथ्स बढ़ी हैं कम होने की बजाय। आइल ऑफ मैन TT के साथ दिक्कत ये है, जैसे जैसे इसमें बाइक्स की टेक्नोलॉजी अच्छी होती गई और बाइक्स ज़्यादा तेज़ होती गई, TT में होने वाले एक्सीडेंट से मौतें भी बढ़ती गई, जो हम इस ग्राफ में भी देख सकते हैं। और इसमें ऐसा इसलिए होता है क्योंकि बाकी स्पोर्ट्स की तरह ही TT में बाइक्स की स्पीड तो बढ़ी, पर उनकी तरह इसमें सेफ्टी को लेकर कुछ ज़्यादा खास एडवांसमेंट नहीं किए जा सकते थे। बेशक जो अभी बाइक्स आती हैं उनमें ABS होता है और भी सेफ्टी एड्स होते हैं, पर ऐसा लगता है वो काफ़ी नहीं है TT के लिए, क्योंकि मेन प्रॉब्लम बाइक्स में नहीं है, इस रेस कोर्स में ही है। वो हम आगे जानेंगे क्यों।
पर उससे पहले हमें ये जानना ज़रूरी है कि आइल ऑफ मैन ट्रीटी में किस किस तरीके की कैटेगरीज होती हैं। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आइल ऑफ मैन में कई इवेंट जुड़ते गए, और अगर हम सिर्फ ट्रीटी की यानी कि टूरिस्ट ट्रॉफी की बात करें तो उसमें 5 कैटेगरीज होती हैं, जिसमें पहली है सुपर बाइक्स। इस कैटेगरी में 1000 cc वाली बाइक्स हिस्सा लेती हैं। ये बाइक्स रोड गोइंग बाइक्स ही होती हैं, पर टीम्स को इनकी पावर बढ़ाने की इजाज़त होती है। दूसरी कैटेगरी है सुपर स्टॉक। ये वही सुपर बाइक्स होती हैं जो आप शोरूम से ख़रीद सकते हैं, और इनमें ब्रांडिंग और सेफ्टी फीचर्स एड ऑन्स के अलावा कोई भी चेंजेस करने की इजाज़त नहीं होती है। इसके अलावा टीटी में सुपर स्पोर्ट्स और सुपर ट्विन भी होती हैं, जो 600 cc की कैटेगरी की बाइक्स होती हैं। और एक होती है साइड कार रेस, जो कि पर्पस बिल्ट चेसी होती है। पहले ये मोटरसाइकिल और साइड कार्स के साथ ही होती थी, पर टाइम के साथ अब ये कुछ ऐसी दिखने लगी हैं। अब हम ये जानते हैं कि क्या बाकी एक्सट्रीम मोटो स्पोर्ट्स भी इतने ही खतरनाक होते हैं। तो ऐसा नहीं है कि सभी मोटरसाइकिल रेस इतनी खतरनाक है। अगर हम एग्जांपल ले लें मोटो जीपी का, उसमें ईयर 2000 के बाद सिर्फ 5 डेथ्स हुई हैं, जो कि टीटी में होने वाली 63 डेथ्स के मुकाबले कुछ भी नहीं है। और मैं अब आपको उसका रीज़न भी बता देता हूँ। तो यहाँ पर सबसे बड़ा फ़र्क यह आ जाता है कि मोटो जीपी एक प्रॉपर रेस ट्रैक पर होती है, और टीटी एक माउंटेन रोड पर जो कि छोटे छोटे टाउन से घिरा हुआ है। मोटो जीपी भी शुरुआती दौर में काफ़ी ज़्यादा डरावनी हुआ करती थी, पर अब चीज़ें बदल गई हैं, क्योंकि जीपी के अब सभी रेस ट्रैक्स पर आपको कैच फेंसेस, रन ऑफ जोन्स और सॉफ्ट लैंडिंग्स देखने को मिल जाएंगी। वहीं इसके कंपैरिजन में टीटी की अगर हम बात करते हैं तो वहाँ आपको पेड़, बिल्डिंग, पुराने पत्थरों से बनी दीवारें और यहाँ तक कि स्पेक्टेटर्स भी 300 की रफ्तार से दौड़ती बाइक से सिर्फ कुछ ही फीट की दूरी पर खड़े मिल जाएंगे। और इसीलिए कई एक्सीडेंट्स में अक्सर राइडर्स के साथ साथ स्पेक्टेटर्स भी मारे जाते हैं। टीटी में एक भी चूक होने का मतलब ये होता है या तो राइडर किसी दीवार से जा टकराएगा या किसी खाई में जाकर गिर जाएगा। टीटी के बारे में और पढ़ने पर मुझे ऐसा लगने लगा कि शायद इस बात से ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है कि राइडर कितना एक्सपीरियंस है या वो कौन सी बाइक चला रहा है। टीटी में किसी के साथ भी कुछ भी हो सकता है, और इसका एग्जांपल है जॉय डनलोप। इन्होंने 1976 से ईयर 2000 तक टीटी में पार्टिसिपेट किया, और ये सबसे ज़्यादा रेस जीतने वाले टीटी राइडर भी हैं। इन्होंने तकरीबन 26 रेसेस जीती थी अपने करियर में, पर उनकी लास्ट रेस सन 2000 में थी, जिसमें वो 125 cc की बाइक से एक पेड़ से टकरा कर मारे गए थे। और ये वो राइडर थे जिन्होंने 1000 cc और 750 cc की बाइक्स में कई लैप रिकॉर्ड्स बनाए थे। अब हम जानते हैं कि इतना खतरा होने के बाद भी राइडर्स इसमें पार्ट क्यों लेते हैं। तो पहला और जो सबसे बड़ा रीज़न है वो मुझे ये लगता है कि मोटो जीपी जैसी प्रोफेशनल रेसेस के मुकाबले टीटी में एंटर करना थोड़ा सा आसान है। टीटी में पार्ट लेने के लिए आपके पास 1 साल पुराना रेसिंग लाइसेंस होना चाहिए, और बाकी फॉर्मेलिटीज़ के बाद आप मैंक्स जीपी के अंदर पार्ट ले सकते हैं। और इसीलिए मैंक्स जीपी को एमेच्योर रेसिंग भी बोला जाता है, और जो राइडर मैंक्स जीपी को जीत लेता है उसे टीटी में पार्ट लेने का मौका मिलता है। और दूसरा रीज़न है इस रेस में मिलने वाला सम्मान। आइल ऑफ मैन टीटी इतना खतरनाक होने की वजह से राइडर्स के बीच में बहुत प्रेस्टीजियस माना जाता है, और इसमें जीतने वाले राइडर को अच्छे खासे स्पॉन्सर्स भी मिल जाते हैं। और इसका तीसरा कारण है सेंसेशन सीकिंग पर्सनैलिटी। हमारे बीच कई लोग ऐसे होते हैं जिनको खतरे उठाने में कुछ ज़्यादा ही मज़ा आता है। कोई भी ऐसी चीज़ जिसमें एड्रेनलिन सर्ज मिलता हो उसमें या तो आप नर्वस हो सकते हैं या काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हो सकते हैं, और ये जो एक्साइटमेंट वाला पार्ट है वो टीटी जैसे एक्सट्रीम स्पोर्ट्स की तरफ राइडर्स को खींच के ले जाता है। मुझे लगता है पूरी दुनिया में सेंसेशन सीकर राइडर्स की तादाद बढ़ती जा रही है, और इंडिया इस लिस्ट में सबसे ऊपर आ गया है शायद से। हम आइल ऑफ मैन टीटी से एक बहुत बड़ी चीज़ सीख सकते हैं, और वो ये है कि चाहे आप कितने ही अच्छे राइडर क्यों ना हो, पब्लिक रोड पर रेकलेस राइड करने से एक्सीडेंट होने के और मौत होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल, बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, और कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट्स ज़रूर छोड़ कर जाना। थैंक यू।